नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्टिकल डेली। मैं हूं आपके साथ अनुराग शुक्ला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 2022 को लेकर के हलचलें तेज हो गई हैं। हर एक पार्टी से उनके कार्यकर्ताओं ने अपने नामों की दावेदारी कर दी है। एमसीडी चुनाव अप्रैल महीने में होने हैं और ऐसे में सीलमपुर विधानसभा से गौतमपुरी वार्ड नंबर 43 से इस बार की जो एमसीडी सीट है महिला सीट रिजर्व की गई है, जिसकी वजह से हर एक पार्टी से महिला प्रत्याशियों ने अपने नाम की दावेदारी की है। ऐसे में न्यू उस्मानपुर भगत सिंह मोहल्ले से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई एक महिला कार्यकर्ता जो पिछले 2 सालों से पार्टी के साथ कर्मठता से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने पार्टी में ग्राउंड लेवल से लेकर के सचिवालय लेवल तक और विधानसभा लेवल तक काम किया है, हमारे साथ मौजूद हैं अर्पणा सिंह जी। नमस्कार अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैं जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि मैं सीलमपुर विधानसभा से महिला विंग में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही महिला विंग जो है हमारी, वो सीलमपुर विधानसभा लेवल पे हम सभी कार्यक्रमों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टी की तरफ से हमें जो भी टास्क मिलते हैं उनको हम बखूबी डन करते हैं। और इस नाते देखा जाए ना, अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे जो चुनाव में अभी महिला सीट डिक्लेयर हुई है, तो उसके लिए मैं भी अपनी दावेदारी पार्टी के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ और मुझे लगता है कि पार्टी ने अगर महिला सीट डिक्लेयर की है तो इसका मतलब है कि पार्टी का मोटिव रहा होगा कि कुछ एक्टिव महिलाओं को आगे आना चाहिए। उसी के तहत आगे आने के मौके के लिए मैं भी उसी कोशिश में मैंने अपना नाम आगे किया कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए कि मैं अपनी बात को या अपने कार्यों को पार्टी तक पहुंचा सकूं। सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के साथ अर्पणा सिंह जी पिछले 2 सालों से ग्राउंड लेवल पर जुड़ी हुई है। साथ ही इनका जो मोहल्ला है उस्मानपुर भगत सिंह मोहल्ला जो है, यहाँ पे भी ये सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। इनका बाकायदा एक महिला मंडल समिति चलता है, ये महिला मंडल समिति क्या है, उसमें आपका क्या मुद्दे होते हैं, क्या करते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लमों को सार्वजनिक रूप से ना करके हम आपस में ही एक ऐसी मजबूत टीम रखें जिसमें सभी महिलाएं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और वो किसी भी मुद्दे के लिए उसको सुलझाने के लिए खुद भी कुछ कर सके। तो उसी के तहत एक ऐसी समस्या हमारे सामने आई थी जिसमें एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें हम सभी महिलाओं ने ये महिला जो है मंडली जो है गठित की थी, जिसके तहत हमने 46,000 रुपीज जो है उस बच्चे के लिए मदद के तौर पर एकजुट होकर इकट्ठा किया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। क्योंकि हमको ये लगता है ना कि हम अलग अलग होते हैं ना तो हमारी ताकत बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही हम एकजुट हो जाते हैं तो हमारी ताकत स्वतः ही बहुत बढ़ जाती है। इसी के तहत हमने इस महिला मंडल का गठन किया और हम सभी इसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले 2 सालों से ही आप पार्टी में जुड़ी हैं, लेकिन 2 सालों में ही आपने अपनी राजनीतिक छवि जो है एक जाने माने प्रतिष्ठित नेता के तौर पर बना रखा है। पार्टी ने आपके कार्यों को सराहा, उसके लिए आपको महिला विंग का आपको सीलमपुर विधानसभा से सचिव बनाया, साथ ही DCPCR का मेंबर भी है और जो स्कूल्स है स्कूल्स में भी बकायदा आप GC चेयरपर्सन के रूप में, ये जी स्कूल है यहाँ पे आप वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी कार्य करते हैं और स्कूलों में जाकर के जो स्कूलों की बुनियादी समस्याएं हैं उनको भी सुनते हैं। तो सडनली ये जो महिला सीट हुआ और आपने भी एक दावेदारी किया, तो आपका एक पॉलिटिकल विजन क्या है, आप किन मुद्दों को आगे लेकर के काम करना चाहती हैं और आप अगर जीतती हैं तो कौन सा ऐसा काम करेंगी जिससे इस क्षेत्र का विकास हो? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं सबसे पहले तो एक सोशल वर्कर हूँ। समाज के लिए, बेहतरी के लिए मैं हमेशा से काम करती आई हूँ। मुझे ये लगता है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति जो जिस लायक है वो अपना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए जरूर करे। और उसी के तहत ना, मैं क्योंकि एक PGT टीचर हूँ और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास योग्यता है तो उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके तहत ही मैंने स्कूल जो है हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो उस्मानपुर का, उसमें मैं उनसे मिली और मैंने ये बोला कि मैं फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ उन सभी गर्ल्स जो लड़कियां हैं उनको, जो हायर एजुकेशन मतलब 12th में है 11th में है और जिनके पेरेंट्स उनको
ट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, मैं उनको फ्री ट्यूशन की व्यवस्था करना चाहती हूँ और उसके तहत मैंने काम भी किया। और उसका सबसे पहला कदम तो मैंने ये लिया कि अपने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, क्योंकि मुझे ये लगता है ना ग्राउंड लेवल पे आप तभी काम कर सकते हो जब आप उससे ज्यादा कनेक्ट होगे। तो उसके तहत मैंने अपने जो बेटी है उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाला ताकि मैं उसकी समस्याओं को समझ के उसका निराकरण कर सकूं खुद से। और साथ में हमारे साथ ये आपका होर्डिंग है, ये बेसिकली ये स्टिकर है और इसके बड़े बड़े होर्डिंग भी मैंने आते वक्त रास्ते में देखा। ये जो है मिशन 2022 एमसीडी में भी केजरीवाल और आपका नाम पूरा लिखा है। तो ये जो मिशन 2022 है बेसिकली ये मैंने कई सारे होर्डिंग पे देखा है कि 2022 में होगा परिवर्तन, एमसीडी में होगा परिवर्तन। तो ये परिवर्तन क्या है, कौन सा परिवर्तन आप लाना चाहते हो? देखिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों से एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास है और जिस और जो कि हम सभी जानते हैं कि उनके जो नेतागण है वो सिर्फ वक्तव्य में यकीन करते हैं, लेकिन जो हमारे नेताजी हैं मतलब हमारे जो केजरीवाल जी हैं वास्तविकता में वो बातों से ज्यादा कार्यों में यकीन करते हैं। तो जो कामों पे यकीन करते हैं, तो उसी के तहत जो हमारा एमसीडी में परिवर्तन का जो मुद्दा है वो ये है कि ग्राउंड लेवल से जो बेहतरी होनी चाहिए, जो काम होने चाहिए, वास्तविकता में वो एमसीडी अभी तक नहीं कर पाई, वो उसमें विफल रही। और हमारा जो मोटिव है, हम आम जनता को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एमसीडी में आने के बाद हमारा विजन होगा क्या। तो पहली चीज तो ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि एजुकेशन को केजरीवाल जी ने बहुत ढंग से, बहुत ही बेहतर ढंग से जो है पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी के तहत ना हम ये चाहते हैं कि जो एमसीडी के स्कूल हैं उनमें हम शुरुआती शिक्षा से ही उसको इतना बेहतर बना के चले, मजबूत बना के चले, ताकि जब आगे बच्चा आए तो उसको उस पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है कि हम ऊपर के लेवल पे हम उस पढ़ाई को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा एमसीडी के स्कूल से पढ़ के आता है तो वो बच्चा ऑलरेडी उसकी नींव इतनी कमजोर होती है कि आगे वो कवर नहीं कर पाता और उसके लिए टीचरों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारा विजन ये है कि अगर हम एमसीडी में आते हैं तो हम जो एमसीडी के स्कूल है उनकी भी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहेंगे। और यहाँ पे इलाके में ये तो आपने एजुकेशन विकास की, हाँ उसकी तरह मोहल्ले का क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मोहल्ले में भी देखिए जिस आप खुद भी देख सकते हैं कि जिस तरह का विकास होना चाहिए था, अगर आपके पास 10 साल तक सरकार रही तो आपके पास जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ। आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्क है और जगह है, उसके बावजूद उनका सुंदरीकरण नहीं हुआ, जो एक बहुत बड़ी बड़ी चीज है कि हमारी महिलाएं या हमारे जो लोग हैं वहां आके बैठते हैं तो ऐसा उजड़ा सा महसूस होता है, जिन पे वो काम कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया। तो हमारा विजन यही है कि अगर हमको जनता स्वीकार करके और हमें मौका देती है कुछ काम करने का, तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो इन पार्कों को उस लेवल तक सजाना और संवारना होगा जहाँ पे कोई भी खुशी खुशी जाए और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। एक दिक्कत यहाँ पे हमेशा आती है, मैंने बरसातों में भी यहाँ पे राउंड मारे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के तौर पे, तो यहाँ पे बरसात में क्या होता है कि जल भराव हो जाता है। ये जो मंगल बाजार वाली रोड है यहाँ से लेकर के न्यूज मार तक जल भराव हो जाता है, घुटने घुटने पर पानी में लोग जाते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, तो उसके लिए आप क्या ठोस काम करेंगी? देखिए ये बस यही तो चीज है ना, आपने ये चीज नोटिस की है, लोगों ने ये चीज नोटिस की है, इसका मतलब है ना कि एमसीडी इन कार्यों में विफल रही है, उन्होंने बेहतर ढंग से काम नहीं किया। इसीलिए हम सभी में ये परिवर्तन का मुद्दा लेकर आए हैं कि हमको आप एक बार मौका दें और हम उस परिवर्तन को ग्राउंड लेवल पर करके दिखाएंगे। ये चीजें इतने बड़े मुद्दे नहीं है जिनको कोई हल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की जरूरत है, बेहतर काम करने की जरूरत है, सिर्फ बातों से और सिर्फ लोगों को ये कह के कि हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जनता जागरूक है, जनता चाहती है कि वास्तविकता में काम हो और उस काम के बल पे उसको आगे सीखती है। अपना जी आपके साथ मेरा एक अंतिम सवाल है और इसके साथ हम अपने वार्तालाप को खत्म करेंगे, इस इंटरव्यू को एक मुकाम देंगे, अंतिम समापन की ओर ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी से कई सारी महिलाओं ने अपना नाम दावेदारी किया है, इसमें से कुछ महिलाएं हो रही हैं जो प्रमुख रूप से कार्यकर्ता के तौर पर पिछले कई सालों से जुड़ी हुई, कुछ महिलाएं ऐसी निकल के आ रही हैं जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में नहीं जुड़ी थी, उनके पति वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में थे तो पतियों के सहारे आ रहे हैं, तो आप इनको एज ए कम्पिटिटर, एज ए प्रत्याशी, एज ए कैंडिडेट कैसे देखते हो? देखिए सबसे पहली चीज तो आपके माध्यम से मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी
क्योंकि मैं विधानसभा सचिव के मैं महिला विंग में जो हूँ, तो उसके जरिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इतने सारे नए कैंडिडेट हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि जरूरी है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए महिलाओं की भी उतनी आवश्यकता है जितनी कि पुरुषों की है। तो माना कि माध्यम चुनाव रहा हो, माध्यम ये सीट रही हो जो महिला सीट हो गई, जिसके माध्यम से अचानक से इतने सारे चेहरे अचानक से हमारे क्षेत्र में उभर कर आए, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो हमारे बीच आए हैं। और आगे आने वाले चुनाव में मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी जो विधानसभा लेवल पर काम कर सके और महिला विंग को और मजबूत कर सके। देखिए, जो भी अभी मैदान में जो हमारी महिला कैंडिडेट आई हैं, वो सभी लोग अचानक से आई हैं। देखिए, उनके जो पति हैं वो एक एक्टिव मेंबर के तौर पे काम कर रहे थे, और ये महिला सीट होने के बाद वो लोग अचानक से मैदान में आई हैं। तो मुझे नहीं लगता, अगर पार्टी ने महिला सीट डिसाइड की है तो मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती, क्योंकि वो सभी चेहरे नए हैं। और पार्टी अगर उम्मीदवारी उस पे जताती है कि कोई महिला कैंडिडेट हो, तो महिला कैंडिडेट का मतलब महिला कार्यकर्ता, महिला ऐसी महिला जो ग्राउंड लेवल से उन सभी समस्याओं को, पार्टी के उन सिद्धांतों को, पार्टी के उन कार्यों से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कंपटीशन में किसी को भी रखना पसंद करूंगा। अर्पणा सिंह के साथ हमारा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा। एमसीडी के चुनाव अप्रैल में घोषित होंगे और उनकी तारीखें अप्रैल में घोषित की जाएंगी कि चुनाव कब है, और पार्टी बहुत ही जल्द अपने होने वाले उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी करेगी। आप लोग आर्टिकल डेली को देखते रहिए, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आर्टिकल डेली के माध्यम से आपने मेरी बात जनता तक पहुंचाने में मेरी मदद की।